नमस्कार दोस्तों, एबीपी गंगा के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। आगरा की आज क्या बड़ी खबरें हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर, आगरा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत पूर्व विधायक राम प्रताप चौहान, पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया, भाजपा नेत्री कल्पना धाकरे, कई सारे लोगों को कोर्ट ने राहत दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहत दी है, उनको साल 2016 का एक मुकदमे में पूरी तरह से बरी कर दिया है। दरअसल कहानी क्या थी, मुकदमा क्या था, साल 2016 में एक विशेष समुदाय के युवक पर यह आरोप था कि उसने एक व्यक्ति पर पेशाब की है, उसके साथ हद दर्जे का मिसबिहेव किया है, अत्याचार किया। इस मामले में उस समय बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया था और समाजवादी सरकार में मुकदमा दर्ज किया गया था। साक्ष्यों के अभाव में आज सभी को बरी कर दिया गया है। तो पहली बड़ी खबर ये कि बीजेपी नेता जिसमें कि सेंट्रल मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल हैं, उनको भी राहत मिली है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज जिस तरीके से दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। आगरा में भी आज दिन में कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पहुँचे और उन्होंने ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और कहीं ना कहीं इस नारेबाजी के जरिए ये मैसेज दिया कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, लगातार बन रही सरकारों से बीजेपी बौखलाई हुई है और यही वजह है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। और उसी क्रम में दुर्भावना ग्रसित होकर एक बड़े नेता की, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, तो इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। एक और जो बड़ी खबर है उस पर बात कर लेते हैं कि आज सैया थाना क्षेत्र में एक लूट हुई है, करीब 4 लाख रुपए की लूट हुई है। श्यामलाल नाम का व्यक्ति जो प्लास्टिक के बर्तनों का काम करता था, वो जब टॉयलेट करने के लिए उतरा तो उसकी डिक्की में रखे हुए, एक्टिवा की जो टू व्हीलर है उसकी डिक्की में रखे हुए करीब 4 लाख रुपए लेकर दो युवक फरार हो गए, दो बदमाश फरार हो गए, उसको भी नीचे गिरा दिया। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है, मौके पर पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल चल रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तमाम जो वहां जो भी साक्ष्य नज़र आए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा या इस तरह का जो भी चीज़ें मिलती हैं, उस पर पुलिस आगे बढ़ रही है। लूट की एक बड़ी घटना आगरा से देखने को मिली। वहीं चौथी जो बड़ी खबर है वो है कि मोनू और नेतपाल नाम के दो गैंगस्टर जो अपराधी जो खदौली लूट में शामिल रहे हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक पर 4 मुकदमे, एक पर 20 मुकदमे दर्ज हैं और कई सारी बड़ी लूट की घटनाओं में वो शामिल रह चुके हैं। उनके कब्जे से 2 बाइक भी बरामद हुई हैं, कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। कुल मिला के आगरा पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि दो बड़े बदमाशों को आगरा पुलिस ने दर्द पहुँचा। तो कुल मिला के ये 4 बड़ी खबरें आज आगरा से देखने को मिली। कल फिर एक बार आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।